हर कोई सपना देखता है कि जल्द से जल्द पैसे कमाए जाएं। ठीक ऐसा ही एक मामला बिजनौर में आया है। एक ऐसा मोटर मैकेनिक जो पाकिस्तान जाने के बाद कुछ ही सालों में मालामाल हो गया। इसकी भनक जैसे ही पुलिस अफसरों को लगी तो अबरार नाम के मैकेनिक पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। शक के दायरे में आए अबरार की जांच ईडी के जरिए शुरू होने लगी। बिजनौर के हर्रावाला इलाके का रहने वाला अबरार अहमद मोटर मैकेनिक का काम करता है। साल 2007 में अबरार पाकिस्तान के कराची में धार्मिक प्रचार के लिए जमात में गया था। पुलिस की माने तो दावे इस्लाम पाकिस्तानी धार्मिक संगठन से अबरार के ताल्लुक है। साल 2007 के बाद से ही गरीब मोटर मैकेनिक ने बिजनौर इलाके की कई जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दी, जिसमें अबरार करोड़पति बन गया। मोटर मैकेनिक अबरार का कहना है कि पुलिस आए दिन मुझे परेशान कर रही है, उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि पुलिस के आला अधिकारी अब ईडी के जरिए अबरार की जांच पड़ताल करा रहे हैं। मुझे जांच के नाम पर बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं और मुझे मेरे परिवार को बहुत मानसिक पीड़ा इससे पहुँच रही है। मैं एक मोटर मैकेनिक हूँ, मोटर मैकेनिक का कार्य करता हूँ, मोटर बांध बूंद कर मैं अपना जीवन जीवन यापन करता हूँ। और ये मेरी पहले भी जांच हो चुकी है, मुझे पहले भी बुलाया गया था, 30-32 घंटे में जांच में रखा, पूछताछ में रखा और फिर ये मेरी जांच के लिए कह रहे हैं। और जी 14 लाख का जो मिस पर हाइड्रा वगैरह बता रहे हैं ये मेरे पास नहीं है, और 50 लाख का जो मकान मेरा धामपुर में दुमैला बता रहे हैं ये मेरे पास नहीं है, और ना 10 से 12 बीघे ज़मीन मेरे पास नसीरपुर में है, और ये करोड़ों की संपत्ति मुझ पर बता रहे हैं, मिस पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बहुत साधारण आदमी हूँ। और ये अबरार नाम का एक व्यक्ति है जो कस्बा थाना धामपुर जनपद बिजनौर का रहने वाला है। इसके बारे में कुछ गोपनीय सूचना इस तरीके से प्राप्त हुई थी कि इसके पास आय से अधिक संपत्ति जो है इसने 5-6 सालों में अर्जित कर ली है, और इसके बाद इस मामले में खुफिया जांच भी कराई गई और पुलिस ने भी जांच की और क्षेत्राधिकारी धामपुर ने भी इसकी जाँच की। और इस जांच के बाद जो बातें निकल के आई उसमें ये पता चला कि ये व्यक्ति जो है ये मोटर बाइंडिंग का काम करता है और पिछले 7-8 सालों में इसकी संपत्ति कई करोड़ हो गई है जी। और जबकि देखने से ऐसा नहीं लगता कि इसकी आमदनी इतनी होगी वो इतनी प्रॉपर्टी खरीद सके। इसके बाद इसी जांच के क्रम में एक बात और प्रकाश में आई कि ये दावत इस्लामी नाम का एक पाकिस्तान का संगठन है जो ये बताता है कि वो धर्म प्रचार का कार्य करते हैं, उससे भी जुड़ा हुआ है। और 2007 के आसपास ये पाकिस्तान भी गया था और वहाँ की एक मस्जिद में काफ़ी दिन रुका भी था। ये बात इसने स्वीकार भी की और जांचों से भी कन्फर्म हुआ। इन सब चीज़ों को देखते हुए पूरी जांच की गई, जो चूँकि ये मामला कई करोड़ संपत्ति रुपये की संपत्ति का था तो जिला पुलिस एक सीमा से ज़्यादा जाँच नहीं करती है संपत्ति का, तो इसी क्रम में इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के लिए लिख दिया गया है और शीघ्र ही उनकी टीम आके इसमें कार्रवाई करेगी।